एक बार फिर से वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डुपर। टुडे आई एम गोना मेक चाइनीज राइस। हियर वी गो। इंग्रेडिएंट्स आप लोग नोट कर लें। आधा किलो चावल, 1 कप गाजर बारीक कटी हुई, 1 कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टेबलस्पून लहसुन बारीक चॉप्ड, 1/2 टीस्पून जर्दे का रंग, 3 अदद अंडे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, बारीक कटी हुई बंद गोभी 1 कप, 1 कप मटर और 1 टेबलस्पून चाइनीस नमक, 4 टेबलस्पून ऑयल। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। एक पतीली में पानी गर्म करने के बाद आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। नमक डालने के बाद आपने कच्चे चावल इसमें ऐड कर देने हैं और चावलों को हम बॉईल कर लेंगे। और चावलों को आपने ज़्यादा बॉईल नहीं करना, इसको एक घंटे तक रखना है। चावल बॉईल हो चुके हैं, पानी हमने इसका गिरा दिया है। एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल डालने के बाद आप लहसुन को अच्छे से भून लें। फिर इसके बाद आप मटर को ऐड करके मटर को आपने सोते कर लेना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और मटर को हमने सोते करने के बाद कैरेट्स ऐड कर देनी है और गाजर को आपने ऐड करने के बाद इसको भी आपने सोते कर लेना है। वेजिटेबल को आपने ज़्यादा कुक नहीं करना, इसको हम सोते करेंगे। गाजर को सोते करने के बाद आपने इसमें शिमला मिर्चें ऐड कर देनी है और शिमला मिर्चें को भी आपने सोते कर लेना है। अब हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे और बंद गोभी डालने के बाद आपने इसको सोते कर लेना है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि आप बंद गोभी को लास्ट में ऐड करें। अगर आप इसको पहले ऐड कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगी और जल जाएगी। तो आपने इसको एंड में ऐड करना है और इसको हम कुक कर लेते हैं। आपने 3 अंडों को फेंट लेना है और इसमें हम जर्दे का रंग ऐड कर देंगे और दोनों साइडों से आपने इसको फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद आपने इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। बॉयल चावल में आपने सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। वेजिटेबल डालने के बाद आपने इसमें अंडों के पीसेस ऐड कर देने हैं और अंडों के पीसेस ऐड करने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है। और 5 मिनट के बाद आपने दम से हटाकर इन चावलों को मिक्स कर लेना है और आपने अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखें कितने खिले हुए ये चावल बने हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखा करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और चावल डन हो चुके हैं, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको चाइनीज राइस की रेसिपी बता दी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं। और इसके साथ हम शाश्लिक बनाएंगे, तो वो मेरी आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।